शिलाई पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कफोटा में सीएम जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ है। सीएम ने 20 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास इस मौके पर किए गए। कफोटा में राजकीय डिग्री कॉलेज भवन का लोकार्पण किया गया और सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे गए। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और पच्छाद विधायक रीना कश्यप इस मौके पर मौजूद रहे गए और कफोटा के पास पाप में जनसभा को सीएम ने संबोधित किया है। थोड़ा आजकल शांति हुई है थोड़ी। अरे विधानसभा का सेशन चला हुआ तो सेशन के दिनों में 5 राज्य के चुनाव हो रहे थे और ऐसी उम्मीद में बैठे थे वो कि पता नहीं कि सब जगह वही आएंगे और विधानसभा में हमारे सामने खड़े होकर के मार मारे ऐसा जिला जिला करके बोलने की कोशिश करते कि भाई बस पंजाब तो हमारी सरकार पक्की है, उत्तराखंड में भी हमारे हैं, मणिपुर गोवा में भी आ रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश थोड़ा काका दे रहा, थोड़ा कठिन लगता है। हमने कहा कि आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, जब जिस दिन निकलेगा रिजल्ट निकलेगा उस दिन बात करेंगे। और मुझे तो बार बार इस तरह की कोशिश करने की विधानसभा के अंदर कि बस आपका तो कार्यकाल पूरा हो रहा है, मैंने कहा तुम्हारा शुरू हो रहा क्या? और जिस दिन रिजल्ट निकला तो मेरे प्रश्न लगे उसे बहुत सारे, तो मैं 11 बजे जब विधानसभा के अंदर पहुंचा तो सामने हमारे मित्र बैठे हुए थे विपक्ष के, लेकिन नजरें जमीन पर। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, कुछ लोगों ने हल्की फुल्की से ऐसे सिर हिला दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैंने थोड़ा और दूसरी बार नमस्कार जोर से किया और मैंने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है, क्यों तब तक के लिए चन्नी दोनों सीट से पीछे हो गए थे। हरीश रावत जो है वो बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे थे और जब परिणाम निकला आपने इस बात को देखा कि जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, चारों में शानदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की, और एक राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार थी वो भी चले गई। मैंने कहा तुम तो हमको बोल रहे थे कि तुम्हारे जाने का वक्त गया, तुम तो हमसे भी पहले चले गए। हमने कहा थोड़ा सब्र करो, देश भर में इस पार्टी का सफाया हो गया, प्रयास का विषय बन गई उत्तर प्रदेश में, जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं कांग्रेस पार्टी को 2 मिली है। पूरा फैमिली प्लानिंग हो गया। नहीं मत फिर नहीं मारो मत मारो, ये भी हमारा समर्थक है भाई। ऐसे बैठे हैं जैसे कि भाई हमारी बस अब तो रिवाज बना हुआ, बोलते हैं यहां पर सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बनती है, दूसरी पार्टी की बनती है। मैंने कहा भाई अब तो ऐसा है कि रिवाज टूट गया है, अब तो उत्तराखंड में सरकार भाजपा की थी फिर बन गई है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आ गई है, मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा की सरकार
और मैं जाकर के शब्द ग्रहण समारोह में भी जाकर के आया, मैंने कहा अब रिवाज बदल गया है और इस रिवाज के मुताबिक हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार होगी।